विवेक सर, अशोक लेलैंड? देखिए, ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब तक जितने भी मतलब ईवी का प्ले था या फिर कमर्शियल व्हीकल का प्ले था, सबने अच्छा किया है, लेकिन इस स्टॉक ने अच्छा नहीं किया है, अशोक लेलैंड ने। और मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के पास भी ट्रक्स का भी ईवी वगैरह सब सारा का सारा तामझाम ऑलरेडी रेडी है, तो ये आपको अच्छा करेगा यहाँ से स्टॉक। वापस जैसे मैंने कहा, लेजी इन्वेस्टर के लिए रहेगा, लेके आप रख लो। लॉन्गर टर्म में ये आपको 200-250 भी दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आगे चल के सरकार का एक मत बहुत बहुत क्लियर है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस अगर मतलब घटाना है तो ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो। और इतना अग्रेसिवली अभी चल रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह नहीं थे, कल 5 ईवी चार्जिंग पॉइंट लग गए मेरी बिल्डिंग में। मतलब अब तक जो मैं सोच रहा था कि ईवी, अब तक मैंने इसके लिए नहीं लिया कि कहाँ जाके चार्ज कराऊंगा, ठीक है, एटलीस्ट टू व्हीलर लेता मैं, तो अब तक नहीं लिया था, लेकिन अब अगला टू व्हीलर मेरा ईवी ही होगा, क्योंकि बिल्डिंग में ही चार्जिंग पॉइंट है। नीचे गए, जो भी पेमेंट करना है किया, चार्ज किया, बाइक लेके जाओ। तो ये इतना अग्रेसिवली चल रहा है ऑलरेडी, और फ्यूचर में आपको दिखेगा IOC, BPCL, HPCL सारे के सारे बंक्स में एक सेक्शन रहेगा जहाँ पे खाली ईवी चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। और कंपनी अच्छा कर रही है, इस कंपनी से क्लाइंट्स है मेरे पास जो इन्वेस्ट करते हैं मेरे थ्रू, तो उनकी जो हाइक देखता हूँ सैलरी में या फिर जो भी परफॉर्मेंस है उनका, अच्छा है ओवरऑल।